आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज के बहुत लोकप्रिय एक नेता एडवोकेट भानु प्रताप जी। एडवोकेट जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एडवोकेट साहब, एक बात बताइए, देवकी नंदन पे आपने कई बार डिबेट भी कराया, कई बार बातें भी करी है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आपने बोला है, और देवकी नंदन ने कहा था जब संविधान की बात आई और आरक्षण की बात आई, सब चीज़ों पर उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ इसके डिफरेंसेस उन्होंने बताए और मैं कोई पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि मैं राजनीति पार्टी बनाऊंगा और उस पर अपने अपने जगह जगह से नुमाइंदे खड़े करके करूंगा, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पहले आप राजनीति को उसमें आने से मना करते हैं, राजनीति नहीं करने की बात करते हैं और फिर आप राजनीतिक पार्टी बना ले रहे हैं जी। तो इससे स्पष्ट है कि उनका झूठ बोलना, एक सन्यासी के चोले में आप ये पाखंड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है। अगर आप संविधान का विरोध करते हैं, आप SC ST एक्ट पर विरोध करते हैं और फिर राजनीतिक पार्टी बना के पूरे देश में लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ो, लेकिन इस पाखंड को तो बंद करो। ये जब आपको राजनीति ही करनी है तो बोलो राजनीति करने हैं, लेकिन धर्म की आड़ में आप राजनीति शुरू से कर रहे हैं और उसके बाद ये पाखंड भी कर रहे हैं, लड़ो, क्या दिक्कत है? आपको पता लग जाएगी दालाटे के भाव। ये भी जो है BJP और RSS के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि देश की जनता को या तो धर्म के नाम पर या राजनीति के नाम पर गुमराह करो और धर्म का चोला पहनकर राजनीति में घुस के उसको पूरी तरह से गुमराह करके देश का, पब्लिक का बेड़ा गर्क करो। सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं। आप थे हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने बताया कि देवकी नंदन ये एक एजेंट हैं RSS के, BJP के, जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं।